ಆಯ್ತಾ ಇದು ಹೊರತೆಗೆ ಕೊಡು ಆಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮೇಲೆ ಅವನ ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದು ಬ್ರಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿ ಮಾಕು ಈ ದಿನ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಒಂದು ರೂಮನ್ನ ಚೇಂಬರ್ ಅನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆಗ್ರ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ जिनकी लीडरशिप में और उनके सहारे से मैंने माइनॉरिटी चेयरमैन हुआ। जब वो स्टेट चेयरमैन थे उसके बाद वो थोड़े दिन के बाद उनके स्टेट चेयरमैनशिप ख़त्म हुई। बाद में आली जनाब वही सईद अहमद साहब हमारे कर्नाटका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर बने। उसके बाद फिर हमारे कायद नसीर अहमद साहब ने मुझे रिकमेंड करके फिर कोलार डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन बनाए। उसके बाद मैं चार्ज देने के बाद एक मीटिंग किया कोलार में, तो कोलार के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के था, ना कोई लोकल बॉडी थी ना तो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाए थे। मैंने फिर पूरे कोलार का डिस्ट्रिक्ट का सर्वे किया। सर्वे करने के बाद हर तालुक में मैंने कमेटी कायम की। एक 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 तालुक में कम से कम महीने 5 महीने 6 महीने फिर के हर जगह एक एक कमेटी कायम किया। और उसके बाद रूरल कमेटी भी कायम किया मैं तालुक में कायम करके। एक कमेटी बनाने के वास्ते मुझे इतनी तकलीफ लगी कि मैं जाके हर तालुक में मस्जिदों में जो बैठ के आदमी को बुला के मैंने समझा के माइनॉरिटी क्या करके मालूम नहीं था। ऐसी मुश्किल में हम 4-5 आदमी जाके आदमियों को समझा के माइनॉरिटी बोले तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट बोले तो क्या है घर बोल के इसके बारे में हमने सबको समझा के इकट्ठा करके हर जगह हर तालुक में कोलार डिस्ट्रिक्ट में हमने कमेटी बनाई। आज अल्लाह के फजल से पूरे कोलार डिस्ट्रिक्ट में हमारी कमेटियाँ कायम हैं। और जब कमेटियाँ कायम हो गए हमने एग्जीक्यूटिव मीटिंग किए और हर 3 महीने में एक बार हम एग्जीक्यूटिव मीटिंग किया करते थे। और जब भी हमारे तालुक में जो भी हमारे माइनॉरिटीज़ को तकलीफ आती जो भी परेशानी होती हम हमारे कायद नसीर अहमद साहब को बोल के और वही सईद साहब को बोल के हमने वहाँ की हालत क्या है उसे हम क्लियर करते थे। और वहाँ का इलेक्शन के असेंबली इलेक्शन के पहले की बात मैं आपको जो बता रहा हूँ मैं बाद में फिर असेंबली इलेक्शन जैसे ही डिक्लेयर हुए हमने हर तालुक में हर कमेटी को लेके वहाँ हमारे कमेटी इतनी मेहनत की समझो मालूर में हमारी कमेटी माइनॉरिटी के तरफ से कांग्रेस मालूर में आई और नंजेगौड़ा MLA साहब को मालूम है खुद माइनॉरिटी कितनी काम किए वो खुद हमारे को बोले तुम्हारे तरफ से हमने यहाँ पर जीता है। उन लोगों ने हमारी तारीफ की और मालूम में कम से कम हमने 25 से 30 मीटिंग की है। एक मीटिंग नहीं 25 से 30 मीटिंग की है और वहाँ माइनॉरिटी का पूरा एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और वहाँ से फिर बंगारपेट आए। बंगारपेट में भी इसी तरह 4-5 मीटिंग किए। वहाँ हमारे तालुक टाउन प्रेसिडेंट हमारे बहुत सा भाई और उनको लेके हमने वहाँ पर पूरे एक ऑर्गेनाइज करके वहाँ भी माइनॉरिटी इकट्ठा करके वहाँ भी MLA को जिताने की हमने पूरी कोशिश की। और नेक्स्ट जो है KGF में खुद रूपा मैडम को मालूम है हमने पूरे वहाँ पर फयाज साहब को हमने चेयरमैन बनाया।
बना के वहाँ कम से कम इतने मेंबर बने, हमें 500 से 600 मेंबर हमने बनाया वहाँ के जफ में। छोटी मोटी वहाँ पर मेंबरशिप नहीं है, वहाँ करीब 500 से 600 मेंबरशिप है, लेडीज से लेके और जेंट्स से लेके। वहाँ इतना प्लेटफॉर्म बना के वहाँ भी रूपा को हमने पूरी तरह से जिताने की कोशिश की। और उसके बाद गुलबागल, गुलबागल में भी हमने कमेटी बनाई हुई थी, और वहाँ भी हमारे जो कमेटी के लोग और हम खुद मेहनत करके वहाँ भी हमने MLA को जिताए। और श्रीनिवासपुर, श्रीनिवासपुर में भी हमारी कमेटी पूरे मेहनत के साथ करके रमेश कुमार साहब को हमने वहाँ भी जिताए। और उसके बाद रहा कोलार, कोलार में हमने पूरी कोशिश की है जमीर अहमद साहब को हम जिताना करके, मगर हमारा यहाँ पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो गैर लोग थे, जो गैर मुस्लिम थे, वो वोट हमको नहीं दिए। इस बात की हम ना बहुत फिक्र है, क्योंकि कोलार की हालत ऐसी है, एक मुसलमान अगर कैंडिडेट हुआ तो यहाँ पर कांग्रेस नहीं है, अगर वही घर हम कड़ा तो यहाँ कांग्रेस है। ये हिसाब से यहाँ की हालत है, हमारी यहाँ की मेहनत पूरी बेकार हुई। इसके बाद हमने हमेशा अभी तक भी हर 3-4 महीने पे एक मीटिंग करते गए, और उसके बाद में हमने एक बड़ा फंक्शन भी किया, हमने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑर्गेनाइज किए। ऐसे तो बहुत से फंक्शन किए हमने, और अभी भी मेहनत लगाए हैं। अभी इसके बाद गवर्नमेंट तो चलेगी, गवर्नमेंट जाने के बाद फिर हमने अभी चंद्रा रेड्डी को बात करके, चंद्रा रेड्डी को हमने हमारे वादे पूरे करके, ये हिसाब से अगर तुम चले तो हम पूरी काम कोशिश करेंगे, काम करेंगे हम फिर से करके, हम फिर जिताने की कोशिश करेंगे करके। आज कांग्रेस ऑफिस में एक ऑफिस की जिम्मेदारी हमने लिया है, ये जिम्मेदारी इंशाल्लाह आने वाले फिर इलेक्शन तक इसी तरह करके पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने जितने भी MLA खड़े होंगे, MLA ही नहीं बल्कि जिला परिषद हो, तालुक पंचायत हो, काउंसलर्स हो, हर जो भी इलेक्शन आएगा इसके अंदर हमने भरपूर कोशिश करके काम करेंगे और कामयाब करेंगे। और मैं माइनॉरिटी चेयरमैन होने के बाद DCC बैंक से हमारे गोइंगोड़ा, हमारे करीब के गांव वाले हैं वो, उनको मैं साथ में लेके उनसे रिक्वेस्ट करके करीब मैंने एक ग्रुप लोन एक 500 आदमी को मैंने दिलाया। ये मुझे फख्र होता है कि मैं एक चेयरमैन होने के बाद एक 500 आदमी को मैंने ग्रुप लोन जो औरतों को दिलाया, वो आज कुछ ना कुछ उसमें रोजी पैदा कर रहे हैं, ये मेरे वास्ते एक फख्र की बात है। और उसके बाद हमने एक सोसाइटी भी कायम की है, जनसेवा मल्टीपर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके अंदर करीब हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में 10,000 ऑपरेशन हमने फ्री करवाया है, ये भी हमारे लिए एक फख्र की बात है। क्योंकि जो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया आगे हमारे पास कार्ड बना के लेके जाते हैं, हमने कार्ड वो 3-4 महीने पहले बनाना था, लेकिन हम क्या किए, ऑपरेशन जब जिस वक्त होता था उसके पहले घंटे दो पहले हमने कार्ड बना के भेजते थे। ये पूरे कोलार डिस्ट्रिक्ट में हमारे मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को मालूम है, हमने करीब 10,000 आदमी को हमने फ्री ऑपरेशन करवाया है, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी फख्र की बात है। इंशाल्लाह और भी ऐसे काम करने के हैं। हमारे खैर नसीर अहमद साहब MLC हैं, और उनके सहारा लेकर और भी हम कुछ करना चाहते हैं, इंशाल्लाह आगे करेंगे। हमारे कोलार डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट चंद्रा रेड्डी साहब ने निसार अहमद साहब एक्स मिनिस्टर और फयाज आलम
साहब और माजेपली शफी सुन्ना साहब और दूसरे हमारे हिंदू भाई भी थे, इन तमाम के साथ मुझे हमारे चन्ना रेड्डी साहब ने बुलाकर कांग्रेस ऑफिस में एक रूम मुझे अलाटमेंट किया है और उसकी चाबी मुझे आज सौंपा गया है ऑफिस के लिए। और उन्होंने बताया कांग्रेस में आप एक अच्छे वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरत है, आप हिम्मत से काम लें, कांग्रेस को आगे बढ़ाए, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे ऊपर फिक्र है क्योंकि आप अच्छे काम करने वाले हैं और असेंबली इलेक्शन में आप माइनॉरिटी में अच्छे काम किए और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के तमाम MLAs को आपने जिताए और माइनॉरिटी को एक जगह इकट्ठा किए। ये हमारे चन्ना रेड्डी साहब ने, ये मेरी तारीफ नहीं की है, जो मैं काम किया था इसके बारे में मुझे हौसला अफजाई की करके फिर से एक बार तुम बैठ के काम करो करके मुझे यहाँ एक हिम्मत अफजाई से चाबी दिए। इंशाल्लाह मैं जो पहले था काम करता था उससे ज़्यादा काम करूँगा और आने वाले इलेक्शन में, अभी ज़िला परिषद इलेक्शन है, तालुक पंचायत इलेक्शन है, इसके बाद में असेंबली इलेक्शन है, इंशाल्लाह इन तमाम में जिताने की कोशिश करूँगा मैं और माइनॉरिटी को एक जगह इकट्ठा करूँगा। आप तमाम मिलकर मेरा साथ दें, मैं आपका हमेशा से काम करूँगा। बस मुझे आप इतना बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।